नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 18 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 18 अप्रैल के करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए दोस्तों, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में रहेंगे और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022 की PDF परचेज करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। डेज की बात करें दोस्तों हम, तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 6 अप्रैल को विकास के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, और 12 अप्रैल को दोस्तों विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया जाता है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई दोस्तों हमने, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। दोस्तों हर साल 18 अप्रैल का दिन दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद दोस्तों लोगों को इन ऐतिहासिक और नेचुरल धरोहर के संरक्षण तथा महत्व से रूबरू करवाना होता है। विश्व धरोहर दिवस को दोस्तों साल 1982 में 18 अप्रैल के दिन मनाए जाने की घोषणा की गई थी और इसके बाद एक साल बाद यानी साल 1983 में यूनेस्को महासभा ने इसे पूरी तरह से मान्यता दे दी, और साल 1982 में 18 अप्रैल के दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट के द्वारा पहला विश्व विरासत दिवस ट्यूनीशिया में सेलिब्रेट किया गया था। विश्व धरोहर दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों, धरोहर और जलवायु। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि को कहा जाता है जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं, और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वाधान में करती है। तो अभी तक हमारे भारत में 40 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में कितने हैं दोस्तों, 3 है, ठीक है। और भारत का जनवरी 2021 तक में यूनेस्को में शामिल अंतिम स्थल कक्ष के रन में स्थित धोलावीरा है, जिसे जनवरी 2020 में शामिल किया गया था और यह हड़प्पा कालीन एक नगर था। और देखिए दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हम कुछ प्लेस को देखते हैं हमारे देश के। तो देखिए आगरा का किला कहां पर, उत्तर प्रदेश में है और इसको 1983 में शामिल किया गया था। आगरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इनको 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है, आगरा में, इसको 1983 में शामिल किया गया था। और महाबलीपुरम स्मारक कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, इसको 1984 में शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर कोणार्क, मंदिर कोणार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो 1984 में शामिल किया गया था, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, असम में है, इसको 1985 में शामिल किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, इसे 1985 में शामिल किया गया था। और मानस वन्यजीव अभ्यारण कहाँ पर है दोस्तों, असम में है, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, 1985 में। खजुराहो स्मारकों का समूह कहाँ पर है, ये हमारे मध्य प्रदेश में है, और इसको कब शामिल किया गया था दोस्तों, 1986 में। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में पहला प्लेस कौन सा था, खजुराहो के मंदिर ही था। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इसे 1986 में शामिल किया गया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, इसे 1987 में शामिल किया गया था। चोल मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में है, ठीक है, इसे 1987 में शामिल किया गया था। और दोस्तों इसके बाद सांची के बौद्ध स्मारक, ये हमारे मध्य प्रदेश में है, इसे 1989 में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है दोस्तों, इसे 1993 में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार और उसके स्मारक भी न्यू दिल्ली में है दोस्तों, और इसे 1993 में शामिल किया गया था। देखिए भीमबेटका की गुफाओं को कब शामिल किया गया था, ये 2003 में शामिल किया गया था, ये भी हमारे मध्य प्रदेश में है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और सांची स्तूप भी किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है, इसे 2004 में शामिल किया गया था। और रानी की वाव ये कहां पर है दोस्तों, गुजरात में है, ठीक है, और इसे 2014 में शामिल किया गया था। अहमदाबाद शहर को दोस्तों कब शामिल किया गया था, 2017 में। अहमदाबाद कहां पर है, तो ये गुजरात में है। इसके बाद दोस्तों जयपुर शहर को कब शामिल किया गया था, ये 2019 में शामिल किया गया था, और ये राजस्थान में है, और ये दो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है,
39वां और 40वां। 39वां दोस्तों कालेश्वर यानी रामप्पा मंदिर है, ये तेलंगाना में है और इसको 2021 में शामिल किया गया था। और धोलावीरा कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में है, इसे 2021 में शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ी थी उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, छह उन्मूलन अभियान में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्थान। और दोस्तों छह उन्मूलन यानी टीबी ट्यूबरक्लोसिस अभियान में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों छह उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो जो छह उन्मूलन अभियान है कब से कब तक चला था दोस्तों, 24 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक चलाया गया था, इसमें दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला टीबी मुक्त जिला कौन सा है, तो वो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। दोस्तों यह दिवस 1882 ईस्वी में क्षय रोग के बैसिलस की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जन्मदिवस पर 24 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने और थूकने से फैलता है, ठीक है। तो ये कैसी बीमारी दोस्तों, एक संक्रामक बीमारी है। टीबी रोग दोस्तों मानव शरीर के फेफड़े अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। और भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जबकि वैश्विक लक्ष्य कब तक है दोस्तों इसका, 2030 तक है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो टीबी मुक्त हो चुका है, ठीक है। अच्छा थीम की बात करें हम, तो 2021 की थीम क्या थी इसकी, द क्लॉक इज टिकिंग, ये वर्ल्ड टीबी डे की 2021 की थीम थी, द क्लॉक इज टिकिंग। और इस वर्ष की यानी 2022 की वर्ल्ड टीबी डे की थीम क्या है दोस्तों, इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादक जिलों में शामिल होगा दोस्तों, तो ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर हीरा उत्पादन की, तो देखिए दोस्तों हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त है। और दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है ये मध्य प्रदेश की खानों से ही प्राप्त किया गया था। अच्छा कौन कौन से खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है दोस्तों, एक तो हीरा उत्पादन में आयरोफिलाइट, ताम्र अयस्क, गेरू उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग टेक्नोलॉजी सलाहकार बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी है। और दोस्तों हमारे देश के एमएसएमई मंत्री केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो वो है नितिन गडकरी। दोस्तों नितिन गडकरी जी के पास सड़क एवं परिवहन विभाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मध्य प्रदेश की किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे दोस्तों, तो ये नरसिंहपुर और भोपाल दोनों को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये पुरस्कार कब दिया जाएगा, तो ये पुरस्कार दिया जाएगा 24 अप्रैल को, ठीक है। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है ये निम्न चार श्रेणियों में दिए जाते हैं, कौन कौन से, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। ये चार पुरस्कार दिए जाते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन। तो दोस्तों जो नरसिंहपुर और भोपाल है इनको किस श्रेणी में मिला है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार श्रेणी में, ठीक है। और दोस्तों यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिए जाते हैं। दोस्तों यहां पर हम बात करें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है, पंचायती राज दिवस। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देश में दोस्तों हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सुशासन दिवस का आयोजन करता है। और भारत में अप्रैल 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस मनाया गया था। दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज के संविधान 73वां संविधान संशोधन था दोस्तों, अधिनियम 1992 के माध्यम से संस्थागतकरण के साथ जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक निर्णायक क्षण आया जो इस दिन से प्रभावी हुआ। और दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है।
क्योंकि इस तारीख को दोस्तों 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। राजस्थान पहला राज्य था दोस्तों जिसने 1959 में दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। और दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला था? नागौर जिला था, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत राज के गठन का सुझाव दिया था। तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट पर महिला SHG के आउटलेट का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों ये किसने किया? दोस्तों हमारे देश के केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी हैं। और देखिए दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी है। नितिन गडकरी दोस्तों सड़क एवं परिवहन मंत्री है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। और नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश से ही लोकसभा सांसद हैं। पीयूष गोयल दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। दोस्तों केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अवसर योजना में स्वसहायता समूहों को प्रमोट करने के उद्देश्य से एयरपोर्ट पर आवंटित आउटलेट का शुभारंभ किया है। और जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट भी उपस्थित रहे हैं। और भारत सरकार के अवसर कार्यक्रम में सभी एयरपोर्ट पर स्थानीय उत्पादों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर नगर निगम भोपाल के शहरी स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए आवंटित आउटलेट विधिवत शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इटली ईस्टर मीटिंग 2022 चैंपियनशिप के लेजर 4.7 ILCA 4 में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी की सेलर रितिंगा नागी ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्वर्ण पदक। दोस्तों ये है रितिका दांगी, तो याद रखिएगा ये हमारे मध्य प्रदेश की वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी है। और दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी है। दोस्तों इटली के मालसेसिन गार्डा शहर में आयोजित यूथ ईस्टर मीटिंग 2022 चैंपियनशिप के लेजर 4.7 ILCA 4 में मध्य प्रदेश अकादमी की सेलर रितिका दांगी ने स्वर्ण पदक अर्जित किया है। और इस स्पर्धा में विभिन्न देशों की 148 बालिका प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की। मध्य प्रदेश अकादमी की सेलर नेहा को 34वां स्थान हासिल हुआ है दोस्तों। और मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग अकादमी के खिलाड़ियों को एशियन गेम्स की तैयारी के लिए एक्सपोजर टूर पर इटली भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? दोस्तों तो ये जीत लिया हरियाणा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हरियाणा। तो याद रखिएगा दोस्तों 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। और किस स्टेडियम में किया गया? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में किया गया। इसमें चैंपियन कौन रहा है दोस्तों? तो हरियाणा रहा है। और उप विजेता कौन रहा है? तो तमिलनाडु रहा है, ठीक है। तीसरे स्थान पर कर्नाटका रहा है दोस्तों, और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। देखिए दोस्तों मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने जीता है। और उसने फाइनल में तमिलनाडु को 3-1 से शूट आउट किया। कर्नाटका की टीम को तीसरा स्थान मिला है और महाराष्ट्र की टीम को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और इस प्रतियोगिता में देश की 27 टीमों के लगभग 800 खिलाड़ियों ने भागीदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश शासन की पहली इलेक्ट्रिक बस किन दो शहरों के बीच चलेगी? दोस्तों तो ये इंदौर और भोपाल के बीच चलेगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर और भोपाल। तो देखिए जून माह से भोपाल इंदौर मार्ग पर यात्रियों को इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा मिल सकती है। और इसके लिए ग्रीव मोबिलिटी कंपनी हमारे मध्य प्रदेश में 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और इससे हमारे मध्य प्रदेश में 1000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बसों के संचालन में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए लालघाटी भोपाल के अलावा इंदौर में भी फास्ट चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। दोस्तों ये एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर ये सफल हुआ तो भोपाल से जबलपुर सागर ग्वालियर सहित अन्य मार्गों पर 100 बसों का संचालन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में वायु प्रदूषण नहीं होगा। और कंपनी के MD व CEO अशोक अग्रवाल ने बताया है कि दक्षिण उत्तर और पश्चिम भारत के बाद अब मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। आगरा गोरखपुर प्रयागराज झांसी बेंगलोर मुंबई सहित देश के 30 शहरों में 115 बसें चल रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का तीसरा इंक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया जाएगा दोस्तों? तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों यहाँ बात करें हम वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1979 में की गई थी, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और देखिए सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान सोपोर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1983 में की गई थी, ठीक है। और देखिए दोस्तों अभी 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को, दो प्लेस को। दोस्तों जबलपुर के भेड़ाघाट को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है, कब दोस्तों? 2021 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, ठीक है। दोस्तों देश से विलुप्त हो रही लॉन्ग बिल्ड वल्चर और व्हाइट ब्लैक गिद्धों की संख्या अब तेजी से बढ़ेगी। वन विहार के वल्चर सेंटर में अब प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम तरीके से वल्चर का जन्म होगा। मई से वन विहार में वल्चर इंक्यूबेशन सेंटर शुरू हो रहा है दोस्तों, और इसकी बिल्डिंग बन गई है। इंक्यूबेशन के लिए उपकरण मंगाए जा रहे हैं, और यह देश का तीसरा सेंटर होगा। इसके पहले हरियाणा के पिंजौर और पश्चिम बंगाल के गिद्ध ब्रीडिंग सेंटर में इंक्यूबेशन के माध्यम से वल्चर पैदा हो रहे हैं। और देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? तो ये चंबल संभाग है। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। और चंबल संभाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों? तीन डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो एक तो श्योपुर आता है, एक मुरैना आता है, और एक भिंड आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? भिंड है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मुरैना है, मुरैना में 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बालाघाट है, ठीक है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, तो ये याद रखिएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सहारिया, भील, कोल या भारिया? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, इस पर जो कल क्विज हुआ था 158वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो रानी की आई है, सेकंड रैंक सिविल सर्वेंट की आई है, और जो थर्ड रैंक है वो शक्ति प्रकाश मिश्रा की आई है। दोस्तों आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।